हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज फाइनली 4 दिन के बाद आज धूप निकली है, यानी कि कल थोड़ी बहुत धूप निकली थी, कल बारिश तो नहीं थी, लेकिन आज पूर्णतः धूप निकल चुकी है। और जो बिपरजात जो ये तूफान चक्रवात वगैरह था, इसका बहुत असर देखने को मिला। और हमारे घर पर भी यानी कि धमाणा में भी बहुत बारिश थी, इनकी खतरनाक तरीके की बारिश थी। इनकी 2 दिन तो लगभग 24-25 घंटे तक तो लगातार बारिश होती रही। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो वगैरह बनाते हैं, और आज आईफोन वगैरह भी आईफोन से आज वीडियो बना। तो घर में ज़्यादा कुछ नुकसान वगैरह हुआ नहीं चक्रवात का, थोड़ा बहुत कुछ हुआ यानी कि पशुओं के बांधने का जो छपरा होता है जिसे ओला कहते हैं, वो एक टूट गया पूरा। और घर के आगे जो भी रेत थी, जो अभी नया घर बना उसका जो रेत थी वो सारी चली गई, यानी कि 3-4 ट्रॉली रेत थी वो सारी चली गई है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर इतनी सारी रेत थी वो सारी की सारी यहाँ से चली गई है। यहाँ पर पहले बहुत सारी रेत थी वो सारी चली गई है। और एक इसके अंदर ये आकर कैसा ये गड्ढा बन गया इसके अंदर। कल तक तो जो सड़क का रास्ता था वो भी बंद था, आज दोपहर के बाद में सड़क का रास्ता जो पानी सूखने के बाद चालू हुआ, हमारे खेत से लगा कर के सड़क तक पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ था। लोग सारे हमारे इधर घर के आगे से जा रहे थे, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह जा रही थी, बाकी कोई साधन वगैरह नहीं जा रहे थे, बाकी सारे बंद थे। और वो देखो वाह, टूट गया पूरा छंप। मैं वीडियो बना रहा था, मम्मी है चौकी चौकी और वो भी देख रहा है कि क्या बना रहा है। ये छपरा है ये पूरा टूट चुका है बारिश से, क्योंकि इसके ऊपर ये मेणिया वगैरह दिया हुआ था, जिसके इसके ऊपर पानी भर जाने से बहुत सारा बाहर आ गया, जिसकी वजह से ये पूरा टूट गया है। ये है हमारा चिंटी, न्यू चिंटी, जो चिंटी को पिछले वीडियो में दिखाया था, इसका नाम है चिंटी। और इसकी बड़ी बहन का नाम है इसका नाम है नुमका, और ये मुन्नी। और खेत को ज़्यादा, इस ऊपर वाले जो घर के पास जस्ट खेत है उसको थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो सारी मिट्टी थी इसके ऊपर जो उपजाऊ बनता वो सारा चला गया, और कुछ पीछे वाले खेत की जो रेत थी वो इसके ऊपर आकर के चढ़ गई है। और जो डेरी बोलते जो खेत के जो निचले वाला हिस्सा है उसको ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सारे खेतों की मिट्टी आकर के वहाँ जमा हो गई है। कल सुबह तक यहाँ पानी पूरा जमा था, यानी कि खेत के अंदर हम जा ही नहीं सकते थे, आज पानी सूख गया है। ये देखो ये पूरी मिट्टी आ चुकी है यहाँ पर, ये पूरा खेत भरा हुआ था, यानी कि वो सीरीज वहाँ से लगा करके ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था पूरा पानी लबालब। वो यहाँ पर ये पूरी जहाँ मेरे पीछे सड़क देख रहे हो, ये पूरी यहाँ तक यहाँ नहीं, वहाँ बहुत आगे तक, वहाँ तक पूरी पानी से, अभी ये पानी इस तक कम होकर के वहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि वहाँ तक जा रहा है। और ये खेत इसके पास वाला ये भगवान राम गोदा रखा है, और इसके पास में ये पूर्व राम खेत है, ये भी पूरा भरा हुआ है। और यहाँ सुबह तक तो वाहन सारे यहाँ जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर वापस शुरू हो गया है, पूरा रास्ता बंद पूरा। ये झाड़ी सारा इस रास्ते की तरफ आ गई है, इधर ये देख रहे हैं ये पूरा खेत भरा हुआ है, वो एक आपको कुआ देख रहा हूँ, ये पूरा डूब गया यहाँ पर चढ़ गया, ये बोल पहले तो इसमें कमर से ज़्यादा तक पानी पूरा खेत भरा हुआ है। और यहाँ पर तो एक यानी कि 5 फीट से ज़्यादा पानी यहाँ पर बीचों बीच गहराई में जाए, तो वहाँ से गेट से लगा करके यहाँ तक 5 फीट से भी ज़्यादा गहरा है यहाँ पर, यानी कि जब पानी चल रहा होता है तब यहाँ से निकल नहीं सकते।